हाय गाइस, आप लोग देख रहे हैं टीबीसी वाइंस। मैं हूं आपका दोस्त दीपक और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। बिग बॉस सीजन 11 में डे वन से लेकर अब तक एक चीज जो किसी की समझ में नहीं आई है, एक चीज जो कि एक राज बन के रह गई है, एक मिस्ट्री बन के रह गई है, वो चीज मेरी भी समझ में नहीं आई है और देखने वालों की भी समझ में नहीं आई है। वो चीज ये है कि क्या विकास गुप्ता और प्रियंक शर्मा वाकई में दोस्त थे या ये दुश्मन हैं एक दूसरे के, क्योंकि डे वन से लेकर अब तक हमने इनको कभी एक दूसरे से लड़ते देखा है तो कभी एक दूसरे के लिए किसी और से लड़ते देखा है। ये प्रियंक तो मतलब विकास के सपोर्ट में इस कदर कूद गए थे कि आकाश को थप्पड़ मारकर प्रियंक शर्मा फर्स्ट वीक में ही घर से बाहर हो गए थे। हालांकि आने के बाद उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी के कुछ और रंग दिखाए, लेकिन अभी जब जैसे कि हमने पिछले काफी दिनों से देखा कि विकास शिल्पा के साथ ज्यादा रहते हैं और प्रियंक हिना के साथ रहते हैं, और इन दोनों के साथ रहने की वजह से प्रियंक और विकास की आपस की इक्वेशंस भी जो है काफी गड़बड़ा सी गई हैं। बीच में अभी दिव्या आई थी, वो आग में घी डाल के चली गई। उन्होंने डायरेक्टली कह दिया प्रियंक से कि प्रियंक हिना या लव के साथ आपकी दोस्ती ज्यादा चलने वाली नहीं है, आपका सच्चा और अच्छा दोस्त सिर्फ और सिर्फ विकास है। उस दिन और उसके शायद एक या दो दिन तक प्रियंक की अंतरात्मा ने उन्हें जगाया और उन्होंने विकास से अपने गिले शिकवे दूर करने की कोशिश की, लेकिन फिर से हम देख रहे हैं कि आपस में एलिगेशंस एक दूसरे के ऊपर लगाने लग गए, रोबोट टास्क, क्योंकि प्रियंक और विकास दोनों अलग अलग टीम में थे तो दोनों एक दूसरे पे पिल पड़े। मतलब विकास ने खूब सुनाया, अंदर की सारी बातें उड़ेल दी प्रियंक के मुंह पर, तो प्रियंक ने बदला लेने के लिए विकास को भी खूब खरी खोटी खोटी सुनाई। इतनी और बात इस कदर बिगड़ गई है कि टास्क खत्म होने के बाद प्रियंक से विकास खूब नाराज हैं और ऐसा ऐसा कहते सुना हमने तो टीवी पर कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, तुमने मेरे साथ ये किया, तुमने ओछी हरकतें की, तुमने घटियापन किया। तो ये जो इन दोनों का ये कभी सौतन कभी सहेली वाला ये रिश्ता क्या कहलाता है, मुझे तो कभी समझ नहीं आता। और हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है, इससे याद आया कि हिना खान की हिपोक्रेसी हमने बहुत जबरदस्त तरीके से देखी है इस रोबोट टास्क के दौरान। हिना खान इतनी फ्रस्ट्रेट दिखी है ना इस रोबोट टास्क के अंदर कि मतलब वो विकास को, शिल्पा को, अर्शी को गुस्सा दिलाना चाहती थी पर वो गुस्सा नहीं दिला पाई। वो इनफैक्ट अपनी ही बातों की सफाई देने लग गई कि मैंने ऐसा कब किया, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा किया ही नहीं था, आप होते कौन मुझे बताने वाले। मतलब उन्हें गुस्सा आए, इससे ज्यादा तो अपनी सफाई देने में लगी थी पूरे टाइम पर। और इनकी हिपोक्रेसी की एक बात इन्होंने अपने खुद के मुंह से साबित कर दी। इन्होंने शिल्पा से कहा, शिल्पा जी आपको माफी मांगना नहीं आता, आप माफी मांगकर आगे बढ़िए, लाइफ में आगे बढ़िए। और वही 2 सेकेंड बाद ही अर्शी के पास जाके बोली, अर्शी तुमने मुझसे माफी मांगी जरूर है लेकिन मैं कुछ भूली नहीं हूँ। मतलब क्या है कि इनका स्टेटमेंट कितना कॉन्ट्राडिक्टिंग था कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि आप माफी मांगो, आगे बढ़ जाओ, बातों को भूल जाओ, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि तुमने अर्शी मुझे बहुत कुछ कहा था, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है लेकिन मैं कुछ भूली नहीं। तो भाई आप ही लोग बताइए कि ये हिपोक्रेसी और ये इनसिक्योरिटी नहीं है तो और क्या है, है? और चलिए बात अगर यहाँ तक रहती तो भी सही रहता, लेकिन इन्होंने तो इस टास्क के दौरान भी बोल दिया कि मैंने 8 साल काम किया है। मतलब समझ नहीं आता मुझे कि इनके दिमाग से ये डायलॉग कब निकलेगा, हे भगवान। एनीवे आगे बात करते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा कि रोबोट टास्क के सबसे तीन जो सबसे वर्स्ट परफॉर्मर थे, हितेन, आकाश और प्रियंक, ये तीनों जाएंगे काल कोठरी में। और हालांकि ये जो डिस्कशन होगा ना कि कौन जाएगा काल कोठरी में, यहाँ पर हिना खान नाम लेंगी शिल्पा का, जबकि पूरी दुनिया ने देखा है कि इस टास्क को अगर किसी ने सबसे बेहतर तरीके से किया तो वो शिल्पा शिंदे हैं। और यहाँ हिना खान शिल्पा शिंदे का नाम लेकर क्या साबित करना चाहती मुझे तो पता नहीं है। हालांकि दुनिया को अलग ही दिख रहा है कि शिल्पा शिंदे ने इस टास्क को बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, जबकि हिना खान और उनकी टीम इस टास्क में बुरी तरह से फेल हुई है। तो इतना इनसिक्योरिटी, इतना जेलस और इतनी हिपोक्रेसी हिना खान कहाँ से लेके आती है। हालांकि ये सब देखने के बाद भी हिना खान के फैंस यही कहेंगे कि हिना माता की जय हो, और शिल्पा शिंदे के लिए तो वो लोग क्या क्या वर्ड यूज करते हैं हिना खान के फैंस आपको तो पता ही है। चलिए ठीक है, फिलहाल ये वीडियो यही रोकता हूँ मैं, हालांकि मेरी तबीयत भी थोड़ी सी खराब है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर।